साल 2009 में हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार रिलीज हुई थी। एक बहंगनी नायक और अवतार शीर्षक के साथ ये बहुत भारतीय लग रहा था। उस समय तक केवल शिव, विष्णु, राम और कृष्णा जैसे हिंदू देवताओं को उनके अफ्रीकी वंश के कारण बहंगनी रंग में चित्रित किया जाता था। वास्तव में वे बाइबल में दिखा गए अफ्रीका के कुश के वंशज थे, जिन्हें मेसोपोटामिया में किश कहा जाता था, जहां उन्होंने 2800 ईसा पूर्व के आसपास अपने नाम से किश शहर का निर्माण किया था। सुमेरियन किंग लिस्ट में उल्लेख किया गया है कि जब बाढ़ के बाद दूसरी बार राजत्व स्वर्ग से उतरा तो किश राजत्व का स्थान बन गया। हिंदू धर्म में कुश को कश्यप कहा जाता है। अब कश्यप किश होने के कारण उनके वंशजों ने अपने गोत्र को क्षत्रिय कहा, एक किश ध्वनि के साथ। हिंदू भगवान कृष्ण ने खुद को किशन कहा। वैसे कुश के पुत्रों में से एक शिव, जिसे बाइबल में निम्रोद के नाम से जाना जाता है, पहले ही निकट पूर्व में कई शहरों पर शासन कर रहा था जब कुश इथियोपिया से वहां पहुंचे। अब कश्यप के वंशजों ने भारत और उससे आगे के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उनमें से लोकप्रिय राम और कृष्ण थे। इस बीच नूह के बेटे शेम, जो भारत के भारत चक्रवर्ती थे, का पहले ही निधन हो चुका था। वैसे भारत को सामन के नाम से भी जाना जाता था और इसलिए सामवेद का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। अब मुझे विश्वास है कि राम कश्यप के पुत्र थे, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र का नाम कुश रखा था। आखिरदार पहले जन्म में लड़के को उसके दादा का नाम देने का एक अफ्रीकी रिवाज है। कश्यप के कई पुत्र थे, जिनमें से शिव निम्रोद थे और विष्णु के प्रतिद्वंद्वी के रूप में उनके समकालीन थे। वह यहाँ वर्णित सप्ताह हो सकता है। आप जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि तिरुपति में विष्णु का सबसे प्रसिद्ध मंदिर सप्तगिरी पर स्थित है, जिसका अर्थ है सप्ता के पहाड़। अब कोई कह सकता है कि सप्त का अर्थ सात है, लेकिन हमें वहां सात पर्वतों का कोई विशिष्ट गठन नहीं दिखाई देता है। आज भले ही भारतीय इन देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वे अफ्रीकी मूल के हैं और वे भारतीय धरती पर आक्रमण कर रहे थे। वैसे शेम के पुत्रों को ब्राह्मण भी कहा जाता है, क्योंकि नूह की मृत्यु के बाद लोग नूह को ब्रह्मा मानकर पूजा करने लगे थे। इस विषय पर अधिक जानने के लिए कृपया मेरा वीडियो ब्रह्मा नूह है, नूह मनु है को देखें। अब ब्राह्मणों में परशुराम नाम का एक शक्तिशाली योद्धा था, जिसने कई हमलावर क्षत्रियों से युद्ध किया और उन्हें मार डाला। रामायण के अनुसार अंत में परशुराम राम से मिले और हार मान ली। फिर महाभारत युद्ध भी हुआ, जिसमें कृष्ण शामिल थे। लोग आपको बताएंगे कि राम की रामायण कहानी और महाभारत का युद्ध हजारों साल अलग हुआ था। हालांकि आप इन दोनों महाकाव्यों में परशुराम पाएंगे, जिससे पता चलता है कि राम और कृष्ण एक ही समय के आसपास रह रहे थे। यदि आप इसे एक हिंदू आस्तिक को इंगित करते हैं, तो वे आपको इसे सही ठहराने के लिए कुछ बनाई गई कहानियां सुनाएंगे। वास्तव में वे असहाय है। वे रसातल की गिरी हुई संस्थाओं द्वारा
उन्हें दिए गए युग के झूठे विचार का समर्थन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि मूल वेदों में युग, अवतार और पुनर्जन्म की बात नहीं की गई थी? मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म एक प्राचीन धर्म है और लगभग 1 अरब लोग इसे मानते हैं। फिर भी दुखी बात है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके विपरीत बाइबल पहले आदमी आदम से लेकर यीशु तक मानवता का इतिहास है। जब हम इसे समझते हैं तो ये हमें परमेश्वर, शैतान, मनुष्य, हमारे अतीत, वर्तमान, भविष्य, अनंत काल, पाप, मुक्ति, स्वर्ग, नरक और उन सभी की बड़ी तस्वीर देता है। बाइबल की सच्चाई, इतिहास, भूगोल और पुरातत्व और मानव विज्ञान से कोई भी जांच के लिए खड़ी हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको बाइबल का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। पता करें कि पाप ने मानवता में कैसे प्रवेश किया, कैसे परमेश्वर ने वादा किया कि वह हमें एक मुक्तिदाता भेजेगा, कैसे हिंदुओं को भी इस उद्धारकर्ता की उम्मीद थी और कैसे यीशु ने उस वादे को पूरा किया। अब इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि साम वेद में शेम की बातें हैं जो भारत के राजा भरत थे। नूह का प्रिय पुत्र होने के नाते शेम, जो कि राजा भरत था, अपने पिता नूह के माध्यम से मानवता के लिए परमेश्वर की योजना की ठीक से जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने नूह से एक मित्र के रूप में बात की थी। उसके कारण राज भरत साम वेद में कहते हैं कि परमेश्वर स्वयं को बलिदान के रूप में अर्पित करेंगे और हमारे पापों का प्रायश्चित करेंगे। लगभग 3000 वर्ष बाद राज भरत के अपने वंश में पैदा हुए यीशु मानव जाति के उद्धारकर्ता बने। वह कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाए, वह आपको इस जीवन में आशीर्वाद देगा और जब आप मरेंगे तो स्वर्ग में ले जाएंगे। परमेश्वर आपका भला करे।